भारत इस वक्त कोरोना वायरस की भयानक लहर का सामना कर रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो नेशनल प्लान मांगा था उस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सरकार ने अपना प्लान दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि वैक्सीन के अलग अलग दामों पर केंद्र क्या कर रहा है, अगर अभी की स्थिति नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्र संकट के समय की अदालत मूक दर्शक नहीं रह सकती। दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल ने अदालत को बताया कि उन्हें जितनी ऑक्सीजन मुहैया कराई गई थी उसकी मात्रा को कम कर दिया गया है, अब उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। हाईकोर्ट ने अब दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ा एक्शन लेने को कहा है। सरकार ने जवाब दिया है कि वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। शांति मुकुंद अस्पताल का कहना है कि उन्हें रोज 3 मीट्रिक टन चाहिए। वेदांता ने तूतीकोरिन स्थित अपने स्टार लाइट कॉपर यूनिट को खोलने की मंजूरी मांगी थी ताकि वहां ऑक्सीजन बनाकर अस्पतालों को दी जा सके। इस याचिका पर तुरंत देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी किया जो तय करेगी कि प्लांट के भीतर कितने लोगों की जरूरत है। वेदांता इस प्लांट में मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन करेगा और वो मुफ्त में ऑक्सीजन मुहैया कराएगा। आईआईटी वैज्ञानिकों की एक टीम ने आने वाले दिनों में भारत में कोरोना के जो संभावित मामले बताए हैं वो चिंता बढ़ाने वाले। कानपुर और हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने अपने गणितीय मॉडल के आधार पर बताया कि भारत में 14 से 18 मई के बीच कोरोना के मरीजों की संख्या 38 से 48 लाख तक पहुंच सकती है। वहीं 4 से 8 मई के बीच हर दिन संक्रमण के मामले 4.4 लाख तक पहुंच सकते हैं। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तबाही मचा दी है, लेकिन इस महासंकट के बीच भी राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया है। राहुल ने कहा है कि इस वक्त लड़ाई कोरोना से है, न कि किसी राजनीतिक दल से। वहीं सोनिया गांधी ने भी कहा है कि लड़ाई कांग्रेस नहीं कोरोना से। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में सोनिया गांधी ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से ही सरकार के सहयोग के लिए तैयार। भारत में कोरोना संकट गहराता जा रहा है। स्थिति इतनी ज्यादा नाजुक है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने भी दुख जता दिया। WHO के प्रमुख ने सोमवार को भारत में COVID-19 के मामलों और मौतों की रिकॉर्ड ब्रेकिंग लहर को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संगठन संकट को दूर करने में मदद कर रहा है। WHO प्रमुख ने संवाददाताओं से कहा है कि भारत में स्थिति हृदय विदारक है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को स्पेशल कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। ये कोविड केयर सेंटर गुरु तेग बहादुर अस्पताल के पास बन रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 10 मई तक दिल्ली में 1200 ICU बेड्स की व्यवस्था हो जाएगी। दिल्ली CM ने कहा है कि अस्पतालों में जो पैनिक मोड था वो खत्म होने लगा है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में एक महीने में 44 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग न होने का मुद्दा उठाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा है और शहरों में भी जांच करना मुश्किल है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जनता को तत्काल प्रभाव से राहत दे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों की घोर किल्लत है और इनकी कालाबाजारी हो रही है। भारत में कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों के परिणाम आने पर जश्न मनाने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने 2 मई को मतगणना के दिन या उसके बाद विजयी जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग ने जीते हुए उम्मीदवारों को 2 लोगों के साथ सर्टिफिकेट लेने की अनुमति दी है। पिछले दिनों मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई। मंगलवार को शेयर बाजार में दिन भर खरीदारी। बाजार में सुबह से बढ़त के साथ कारोबार। मंगलवार को बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 557 अंक यानी 1.15% बढ़त के साथ 48,944 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी जबरदस्त बढ़त देखी गई। निफ्टी 170 अंक बढ़कर 14,654 पर बंद हुआ।